आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। देखो, शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखने के लिए हमें इन्हें बढ़ते हुए वर्णमाला क्रम में लिखना पड़ता है। सबसे पहले मैं हमारे शब्दों की बात करता हूँ, तो हमारे हरेक शब्द के अंदर शुरू के दो अक्षर एक ही जैसे हैं, तो इनके आधार पर मैं इन्हें नहीं रख सकता। हाँ, जब मैं बात करता हूँ तीसरे अक्षर की, तो जो हमारा तीसरा अक्षर है वो हमारे पहले शब्द के अंदर, दूसरे शब्द के अंदर एफ है, तीसरे के अंदर हमारा ई है और चौथे शब्द के अंदर हमारा क्या है, एफ है। देखो, एफ आता है 6 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे, तो इन सभी के अंदर जो सबसे पहले आ रहा है वो हमारा कौन सा शब्द आ रहा है, शब्द नंबर 3। यानी कि जो हमारी शुरुआत होगी वो कौन से शब्द से होगी, शब्द नंबर 3 से होगी। अब जो बाकी के हमारे 3 शब्द बचे हैं उनके अंदर जब मैं देखता हूँ, तो यहाँ देखो डी ई एफ ई, ये 4 अक्षर हमारे तीनों शब्दों के अंदर एक ही तरह के हैं। उसके बाद जब मैं बात करता हूँ तो हमारे पहले शब्द के अंदर अगला अक्षर है सी, हमारे दूसरे शब्द के अंदर अगला अक्षर है एन और हमारे चौथे शब्द के अंदर भी अगला अक्षर क्या है, एन। जब मैं इन्हें रखता हूँ तो सी आता है 3 नंबर पे और एन आता है 14 नंबर पे, तो इन तीनों के अंदर भी एक नंबर शब्द जो है वो सबसे पहले आएगा। अब बात रही हमारे दूसरे और चौथे की, जब मैं दूसरे और चौथे को देखता हूँ तो यहाँ देखो एन तक तो एक ही तरह है, पर जब मैं बात करता हूँ अगले अक्षर की, तो यहाँ है सी और यहाँ क्या है एस, सी आता है 3 नंबर पे और एस आता है 19 नंबर पे, तो दूसरे और चौथे में पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा है दूसरा, तो यानी कि 3 1 2 4, तो हमारा क्रम क्या होगा 3 1 2 4, यानी कि विकल्प नंबर 4 जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।